राधिका झांसा देखा 12 सालों से होमगार्ड सैनिक रख रहा था महिला को, मतदान के समय छीना मंगलसूत्र। खबर शिवपुरी ऑफिस से है जहां पर एसपी ऑफिस से ये खबर है। बताना होगा कि महिला ने एसपी से गुहार लगाई है कि उसका संबंध 10-12 सालों से होमगार्ड सैनिक से था। उसके पति की हत्या हुई थी जिसके चलते होमगार्ड सैनिक लक्ष्मण पाल से उसकी मुलाकात हुई थी। महिला उसके साथ रहने लगी लेकिन महिला को एहसास हुआ कि वो उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली। महिला कोलारस में मतदान करने आई थी तभी होमगार्ड सैनिक लक्ष्मण उसको मिल गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बोला कि तू मेरे साथ ही वापस मेरी पत्नी बनकर रहे। महिला ने इसका विरोध किया तो महिला के साथ धक्का मुक्की की और मंगलसूत्र भी छीन लिया। इसकी शिकायत महिला ने कोलारस थाने में की है। एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बताना होगा कि महिला ने बताया कि लक्ष्मण पाल उसको अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता था जिसका वो विरोध करती थी। शराब पीकर मारपीट करता था जिस वजह से महिला उससे अलग हुई और उसने दूसरा विवाह किया। कल वोट डालने आई थी ना मैं, तो वोट डालने से कहा था नहीं मारपीट करी और मंगलसूत्र छीन ली मेरे। किसने? लक्ष्मण पाल। अच्छा, दर्शन पाल से क्या विवाद रहा है आपका पुराना? 10-12 साल से मतलब उनके साथ रह रही थी। बोल रहे थे कि शादी कर लूंगा, शादी नहीं की उन्होंने, फर्जी रख रहे थे मुझे। आपका संपर्क कैसे हुआ उनसे? वो पहले पति खत्म हो गए थे ना, तो आई थी ना, तो कह रहे थे मैं शादी कर लूंगा तो मेरे पास रहे, तो शादी वादी कोई नहीं की उन्होंने, फर्जी रख रहे थे। फिर दूसरी शादी कर ली मैंने। आपने दूसरी शादी? हाँ। उनकी बता रहे थे पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ, फिर की पहली शादी होगी, फिर शादी नहीं हुई थी मेरी, ऐसी रह रही थी वो, तो कोर्ट में लिखा पड़ी कराई झूठी सांची बनने। अब आपकी दूसरी शादी हुई? हाँ। उसके बाद आप क्या परेशानी कर रही हैं? दूसरी शादी कर ली मैंने। अब क्या परेशानी हो रही है? आप वो परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या कहना है? मारने की धमकी दे रहे हैं, मुँह को दे रहे हैं और वो मेरे पति को भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि वो जान से मार दूंगा। वापस आने की कह रहे हैं? हाँ, वापस आने कह रहे हैं। मैं रहना चाह रही हूँ, मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार, घर में फांसी लगाते हैं, कम खर्चू करते हैं। कहाँ पे पदस्थ हैं? जे रहते हैं कोला रास्ता वेला मोहल्ला 15 वार्ड। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण पाल।